चुनाव स्टार्ट करते बेटा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपको होमवर्क में दिया था, उसके बारे में चर्चा हम आपके साथ करते हैं। द बुक कीपर फाइंड्स द फॉलोइंग एरर इन द सब्सिक्वेंट ईयर। जो बुक कीपर है उसको कुछ गलतियां पता लगी, उस गलतियां कौन गलतियां हैं उसके बारे में अपने यहाँ पे चर्चा आपके साथ करते हैं। क्या समझना? पहला पॉइंट, गुड्स वर्थ ₹15,000 परचेज फ्रॉम रवि बट एंटर इन द सेल्स बुक। मतलब वन मोर थिंग बेटा, मैं तीन कॉलम हमेशा बनाता हूँ क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, आपको भी ये तीन कॉलम बनाने हैं। क्लियर? और मैं यहाँ पे आज चार कॉलम बनाऊंगा, आपको नहीं बनाना चार कॉलम, आपको तीन कॉलम ही बनाना है। ऐसा सलमत चार कॉलम कहाँ से आ गए? समझना, यहाँ पे हम करेंगे रेक्टिफिकेशन एंट्री, यहां पे भी हम पास करेंगे क्या बेटा, रेक्टिफिकेशन एंट्री। बट ये रेक्टिफिकेशन एंट्री जो पास की जाएगी, ये सेम ईयर की बात करेंगे बेटा, और यहां पे रेक्टिफिकेशन एंट्री हम पास करेंगे वो सब्सिक्वेंट ईयर के रिगार्डिंग मैं आप लोगों से यहां पे बात करूंगा। बड़े ध्यान से आप लोग समझ रहे, कुछ भी नहीं आसान है, चैप्टर खत्म हो गया जैसे ही होता है। क्लियर? क्या समझना बेटा, हमने सबसे पहले हमें क्या हो, क्या बोलते हैं बेटा, क्या हो गया, क्या होना था, अब क्या करें। इज इट क्लियर? क्या समझना, पहला पॉइंट, ₹15,000 का माल परचेज हमने किया, परचेज किया फ्रॉम रवि, तो माल परचेज किया रवि से, तो परचेज या सेल है? परचेज। क्या ये परचेज क्रेडिट परचेज है या ये क्रेडिट सेल है, कैश या क्रेडिट? सबसे पहले बताओ, क्रेडिट परचेज किया तो ये कैसे बताओ, क्रेडिट नाम लिखा हुआ है, नाम याद रखना है, करना बाकी होगा, बोलो हाँ है ना। जब क्रेडिट परचेज के बारे में आप लोगों से यहां बात कर, होना क्या था, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या होना चाहिए था, रवि। बोल जवाब, कितने रुपए के परचेज है, सॉरी 15,000। बताओ ये एंट्री जो पास होती है, ये जो दोनों एंट्री पास होगी, एंट्री किसकी हेल्प से पास होगी, परचेज बुक की हेल्प से पास होगी बेटा, बेटा बोलो। बट इसको ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना था परचेज बुक में, पर भाई साहब ने इस ट्रांजैक्शन को सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दिया, और सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दिया, दैट मींस हमने क्या किया होगा बेटा, रवि अकाउंट डेबिट टू सेल, कितने रुपए का, ₹15,000 का, कितने रुपए का बेटा, ₹15,000 का। क्या ये पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? अब मुझे बताओ, होना ये था पर हुआ क्या, रवि। क्या परचेज को डेबिट करना था, परचेज डेबिट हुआ क्या, नहीं। आओ परचेज अकाउंट को हम क्या कर दें, डेबिट। क्या रवि को डेबिट नहीं करना चाहिए था, फिर भी रवि हमारा क्या हो गया, डेबिट, तो कैंसिल करने क्या करेंगे इसको हम बेटा, क्रेडिट। अब आप कहते हैं रवि को क्रेडिट करना चाहिए था, रवि क्रेडिट हुआ क्या, नहीं, तो आओ रवि को हम यहाँ पे क्या करते हैं बेटा, क्रेडिट। कितने रुपए से बेटा, ₹15,000 से। और आपको सेल को क्रेडिट नहीं करना चाहिए था, फिर भी हमने सेल क्रेडिट कर दिया, कैंसिल करने क्या करेंगे हम, डेबिट। कितने रुपए से बेटा, ₹15,000 से। कितने रुपए से बेटा, ₹15,000 से। आप ये ना लिखते हुए एक साथ एक एंट्री पास कर सकते हो बेटा, 15,000 प्लस कितना बेटा, 15,000, दैट मीन्स 30,000, दैट विल बी एंट्री पास। उम्मीद आप सभी ने यही एंट्री पास की होगी। क्या पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? अब अगले पॉइंट के बारे में चर्चा हम जब आपके साथ करते हैं, पॉइंट नंबर बी के लिए। ध्यान समझना, मैं एक काम करता हूं, मैं आप लोगों को एक कंसेप्ट वापस वो समझाता हूं बेटा, कौन सा बेटा यार, बिल्स पेबल बिल्स रिसीवेबल के लिए बेटा, थोड़ा सा और बेटर आपको समझ में अच्छे से। इधर आओ, जल्दी आओ, आप भी आओ, यस दोनों जल्दी आओ, जल्दी आओ, पनिशमेंट नहीं मिल रहा है, जल्दी आओ फटाफट से, फटाफट दोनों यहाँ आओ फटाफट से। से एग्जाम्पल, लेट्स एक इधर आओ, ठीक है, से एग्जाम्पल मैं बात कर, ध्यान समझना, हम दोनों पार्टी के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है, मतलब से एग्जाम्पल
लेट एग्जांपल हम बात करते हैं कि ये शॉपकीपर है और मोबाइल बेचते हैं, शॉप मोबाइल के शॉपकीपर है, देख समझता है, लेट एग्जांपल, और ध्यान समझना, ये कागज आपसे किसी काम का तो नहीं है, ठीक है, काम का ही बनाते हैं इसको बेटा, चलो ये भी अपने पास रखो, उसको नीचे रखो, ऐसा समझना एकदम परफेक्ट, आपको एकदम एग्जैक्ट बताऊंगा बिल्स पेबल क्या होता है, बिल्स रिसीवेबल कैसे होता है, कैसे डिस्काउंटिंग की जाती है, हर एक चीज के बारे में एकदम फंडामेंटल चीज बोलूंगा तो आपको समझ में आएगा हाँ वाकई में बिल्स रिसीवेबल किसको बोलते हैं, बिल्स पेबल किसको बोलते हैं, और कैसे डिसऑनर की एंट्री पास होती है, किसके लिए बिल्स रिसीवेबल है, किसके लिए बिल्स पेबल है, हर एक चीज के बारे में अपन को यहाँ पे समझना है, ध्यान समझना। सो एग्जाम्पल मैं इनके पास गया, मैंने बोला सेठ जी मुझे मोबाइल की आवश्यकता है, समझना, मैंने बोला सेठ जी मुझे क्या है मोबाइल की आवश्यकता है, उन्होंने बोला मिल जाएगा, एक बजट कितना है, मैंने बोला 15,000 रुपए का मोबाइल परचेस करना है कैश, मैं कहा पैसा एक रुपया नहीं है सेठ जी, ये मोबाइल मैं आपको तीन, इस मोबाइल का पैसा मैं आपको 3 महीने बाद 6 महीने बाद व्हाटएवर टर्म्स एंड कंडीशन हमारे बीच में सेल करना है। तो इन्होंने मुझे क्या मोबाइल सेल किया, कितने में सेल किया, 15,000 मोबाइल सेल, सिर्फ मोबाइल या बिल का, हाँ ये, और मोबाइल सेल किया, इस मोबाइल के साथ साथ ये बिल भी था, बिल इस पर लगा के मेरे को दे दिया, तो 15,000 का मोबाइल मेरे पास आ गया, बोलो हाँ है ना, तो ये मेरा बिल, मैं मोबाइल चला रहा हूँ आराम से, लोगों से फोन पे बातें करता रहता हूँ, घूमता फिरता रहता हूँ आराम से, ऐसा समझना मेरी बात को प्लीज, अब दैट्स इट, बट मैंने बोला था, इन्होंने बोला कि ठीक, तो क्या दिस इज माई परचेज, दिस इज फॉर सेल, समझना, इनके बुक्स में मुझसे, इनके बुक्स में दिख रहा होगा कि मुझसे पैसा लेना है, बुक्स में दिख रहा होगा कि इनको पैसा देना है, तो मेरे लिए क्या नाम है आपका, विशाल, मैं नकुल, ध्यान समझना, आप पिक्चर से बाहर हो भी है, ध्यान समझना, सो एग्जाम्पल ये विशाल मैं नकुल, क्या मेरे लिए विशाल बेसिकली क्या है बेटा, डेटर्स क्रेडिटर्स, मेरे में विशाल दिख रहा होगा बेटा क्रेडिटर्स, और विशाल के बुक्स में नकुल दिख रहा होगा क्या बेटा डेटर्स, क्या ये पॉइंट सभी को क्लियर है, तो नॉर्मल हमने क्रेडिट सेल परचेस की बात कर ली, अब मैं इनको पैसा दे दूंगा तो मेरे यहाँ से डेटर्स कम, क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे, और इनके यहाँ डेटर्स भी कम हो जाएंगे, कैश बढ़ जाएगा, मेरे यहाँ पे कैश कम हो जाएगा, दैट्स इट, ध्यान समझना, बट जब मैं इस चीज के बारे में आप लोगों से बात करता हूँ, ध्यान समझना, अब इन अपने पास आगे रखो, ध्यान समझना, अब से इन्होंने क्या किया, मैंने बोला कि सर मैंने आपको मोबाइल बेचा है 15,000 रुपए का, यह पैसा आपने बोला है 3 महीने बाद दोगे, मुझे कोई आपत्ति वाली बात नहीं, पर सर आपने बीच में एक रिटर्न कुछ लिख देते हैं और आप मुझे वादा करते हो, एग्जांपल, तो इन्होंने मुझे एक कागज लिख के दिया, सर आप मुझे वादा करते हो कि जो मोबाइल मैंने आपको बेचा है इस मोबाइल का पैसे का भुगतान 3 महीने के बाद आप मेरे को करोगे, लिख दिया इन्होंने, ठीक है, इन्होंने लिख के मेरे को लौटा, इन्होंने आ गया पिक्चर में दिखना चाहिए, हाँ सर पिक्चर बन रही है आपकी, तो सर एग्जाम्पल ये कागज लिख के इन्होंने सब कुछ ये दिया, बोल दिख रहा है कुछ लिखा हुआ दिख रहा है आपको, ठीक, अब जैसे ये आया कागज मैंने कहा सेठ जी ने, विशाल सेठ जी ने लिख के भेजा, नकुल सर जो मैंने मोबाइल 15,000 रुपए का बेचा है ये पैसा आप मुझे 3 महीने में भुगतान करने का वादा करते हैं, रन, मैंने यहाँ पे साइन किया, और ये कागज लिखा किसने, इन्होंने, मेरे पास आया, मैंने देखा, दिख रहा है आपको भी, एक बहुत बड़े है कागज दिख रहा है, अब ये कागज में देखा, कागज मैंने साइन किया और कागज मैंने इनको वापस लौटा दिया, बोलो हाँ है ना, तो ये कागज मेरा क्या बनेगा, बिल्स पेबल, क्योंकि लिखा इन्होंने, मैंने एक्सेप्ट किया है, तो आपके दिमाग में क्या एक्सेप्ट मतलब बिया गलत, एक्सेप्ट मैंने किया तो मेरे ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि इनको मुझे पैसा देने का वादा किया, दिस इज, ये कागज का टुकड़ा है ना, दिस इज फॉर मी बिल्स पेबल, और ये कागज टुकड़ा इनको मिला बिल्स रिसीवेबल, अब मुझे बताओ मैं अपनी बात करा, मुझे पैसों की उधार था, ठीक है, और मेरी बाजार में क्रेडिट वर्दीनेस से लोग मुझे बाजार में जानते हैं कि नकुल साहब नामक व्यक्ति है, इनकी बाजार में अच्छी गुडविल है, पर इनको तो पैसों की आवश्यकता है, 15,000 रुपए 3 महीने बाद मिलेंगे, आओ पिक्चर में, बस पे, अब से एग्जाम्पल ये जाओ यहाँ पे, और ये गए यहाँ पर और बैंक मैनेजर से बात करें, मैनेजर साहब ये नकुल श्रीवास्तव सर है, उनका क्या है बिल्स रिसीवेबल मेरे पास रखा हुआ है, नकुल सर ये पैसा आपको 3 महीने बाद दे देंगे, मुझे भी पैसों की आवश्यकता है, तो प्लीज ये कागज अपने पास रखो और मुझे इसके बदले कुछ पैसे दो, और 3 महीने बाद ये कागज देख के नकुल सर के बोला वो आपको पैसा पे कर देंगे, बोलो हाँ है ना, तो मुझे बताओ इन्होंने कागज इनको दिया कितना का दिया, 15,000 रुपए, अरे निकालो ना, हाँ वेरी गुड शाबाश, इन्होंने इनको 15,000 रुपए दिए और इनमें कुछ कम दिया होगा, व्हाट इफ फॉर एग्जांपल मान लो इन्होंने इनको कितना दे दिए 14,000 रुपीज दे दिए, जाओ अपने घर बेटा, बस
ये अपने 14,000 रुपए क्या क्या मुझे बताओ, इन्होंने 15,000 रुपए के बदले में इनको कितना दिया? 14,000 रुपए। क्या 1,000 रुपए डिस्काउंट? असमय बिल डिस्काउंटेड क्यों बोलते हैं? अरे अपना बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अरे हाँ है ना, क्योंकि ये पैसा इनको 3 महीने बाद मिलेगा, तो इन्होंने अभी कम दे दिया। अब मुझे बताओ ये रिलैक्स होके बैठे हैं, बट इनकी बुक्स का चिंता का विषय है क्यों? बाद में बात करेंगे। ये 3 महीने होने का इंतजार दे, रोज घड़ी देखते हैं इसे, टिक टिक, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, 10, 20, 30, 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने गुजर गए। आए मेरे पास, सर ये कागज 15,000 रुपए चाहिए मेरे को, तो चाहिए अभी, इसके अभी चाहिए। सर देखो इस पे आपके साइन है। बोलो क्या चाहिए मेरे को? 15,000 रुपए। मैं कहो ओ तेरी 15,000 रुपए देने? बोल रहे हाँ। मैंने बोला ये रखो, मस्त तो कुछ नहीं है मेरे पास, क्या मना कर सकता हूँ? कर दिया, क्या करना? नहीं कर सकते। अरे कर दिया, मेरी मर्जी, मेरे को नहीं देना पैसा। तो अब ये आके मेरे को पैसा नहीं कर सकते। अब ये दौड़ते आओ बीच में, बस बस दिखना भी चाहिए मैं भी बेटा, चलो मिल जाओ। है ये गए, अब मैनेजर साहब पैसा उनको लेना है। अब है बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर साहब, विशाल सेठ क्या किया तुमने ये कागज? क्या कागज है, क्या करूं इसका मैं कागज का? जो कागज पे नाम लिखा हुआ था इस व्यक्ति ने पैसे से इनकार कर दिया। ये रख तेरे पास कागज, 15,000 रुपए मेरे को लाके दे। क्या ये पैसा देने की जिम्मेदारी, बताओ क्या बैंक को जाके पैसा देने की जिम्मेदार मैं हूं या विशाल? मैंने बोला मैनेजर साहब क्या 15,000 आपने मेरे को दिया? क्या नहीं दिया ना, तो लेने वाले कौन? बेचारा फंस गया, जाओ 15,000 देने पड़ेंगे। क्या देंगे बोलो? तो क्या इनके बुक्स में 15,000 रुपए इनको देना क्या लाइबिलिटी है? और इनको मुझसे पैसा लेना मेरी क्या बेटा असेट्स है? कल कौन से पब में गए थे? गए थे, ठीक है, क्या समझना बेटा। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में आप लोगों से बात कर रहा हूं। अब मैं आपसे एक बात बोलता हूं कि से एग्जांपल, इनके बुक्स में दिख रहा है कि नकुल सर से पैसा लेना है और इनके बुक्स में दिख रहा है बैंक पैसा देना है। अब इस पूरी पिक्चर को समझते हैं, आओ वापस अपनी जगह पे बेटा। क्या जब इनको इन्होंने मुझे माल बेचा तो अपने बुक्स में क्या लिखा? नकुल अकाउंट डेबिट टू सेल। बोलो, पिक्चर से बाहर अभी है, बस पकड़ रहना। मेरी बुक्स में क्या दिख रहा है बेटा मुझे बताओ? मेरी बुक्स में क्या दिख रहा है बेटा? पर्चा लिखू बोर्ड पे, हवा में समझ में आएगा, हवा में समझ में आएगा। तो मेरी बुक्स में क्या दिख रहा होगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू विशाल। विशाल ने लेटर लिखा, ये विशाल मेरे को लिया, मैंने लिखा एक्सेप्ट किया। तो मेरी बुक्स में क्या दिख रहा है बेटा? विशाल अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। बोलो, इनके बुक्स में क्या दिख रहा है? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। तो क्या नकुल को डेबिट किया, नकुल को क्रेडिट किया, नकुल से कुल कैंसिल? तो इनके बुक्स में अल्टीमेटली क्या बचा? बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल। और मेरे बुक्स में विशाल से विशाल कट गया, तो मेरे बुक्स में क्या बचा? बिल्स पेबल। ये गए मैनेजर साहब के पास, मैनेजर साहब के पास गए, मैनेजर साहब को बिल पकड़ाया, मैनेजर साहब ने पैसे निकाल के दिए, 2 फटाफट से ये दिए। अब बताओ इन्होंने एंट्री क्या पास क्यों? इनके पास कैश आया तो एंट्री क्या क्यों? बैंक अकाउंट डेबिट कितने रुपए से बेटा? 14,000 रुपए, 1,000 रुपए डिस्काउंट, 2 बिल्स रिसीवेबल कितने रुपए से? 15,000 रुपए। बैंक के यहाँ पे क्या होता है हमें समझने की आवश्यकता नहीं है। बोलो अब ये कागज मेरे पास लेकर आए, आओ आओ आओ, नहीं आप पास आ जाओ सर कागज। मैं देखो ओ ऐसा है कुछ? थैंक यू सर, मैं आपको पैसा पे नहीं कर सकता, मना कर दिया। कुछ कर पाएंगे मेरा? नहीं। पैसा मुझे दिया क्या? नहीं। जिसको दिया उसको जाकर पकड़ो। अब ये कागज देखे इनके पास गए, क्या कागज इनको दिया समझना? तो ये दो कागज दो कि देखो ये वही कागज जिसके बदले तुम्हें पैसा दिया था, 14,000 रुपए, 15 मिलना था नहीं मिला, मैं क्या करूं? आज ये बाजी सड़क ली, अब पकड़ो। अब मुझे बताओ क्या कागज इनको दिया, तो क्या ये कागज इनके पास आया सुनना, तो क्या इनके लिए बिल्स रिसीवेबल है? बोलो प्लीज समझ, ये इनके लिए बिल्स रिसीवेबल है?
तो क्या अब मुझे बताओ क्या ये अपने बुक्स में एंट्री पास करेंगे, बैंक से कागज इनके पास वापस आया था, बैंक को क्या ये पैसा पे करेंगे? तो क्या बैंक को पैसा पे करेंगे? लायबिलिटी है तो बैंक को क्या करेंगे? क्रेडिट? डेबिट किस करेंगे? बिल्स रिसीवेबल? क्या बिल एक्सेप्ट किया कि मिला है? क्या ये कागज का टुकड़ा बन गया और इसका कुछ भी काम का नहीं? देखो इसको पास कुछ भी नहीं, क्या बचा इनके पास? कुछ नहीं। ये पैसा क्या 15,000 रुपए इनको देना है, इनके लायबिलिटी है तो बैंक को क्रेडिट कर देंगे। क्या 15,000 मुझसे लेना है, दिस इज माई एसेट, इनके लिए एसेट्स है तो एंट्री इनके बुक्स की बात कर रहा हूं, तो इनके बुक्स में एंट्री क्या पास होगी बेटा? नकुल अकाउंट डेबिट टू बैंक, नॉट बीआर अकाउंट डेबिट टू बैंक। बच्चा समझता है बीआर अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्या बीआर मिल रहा है क्या? ये कागज टुकड़ा कुछ काम का नहीं है, इसको अब देंगे तो कुछ नहीं होगा। रखो जेब में इसको अपने, कुछ कागज का टुकड़ा कुछ काम का नहीं है। मुझे जैसे कागज टुकड़ा आएगा इनके बुक्स में आ जाएगा कि इतना पैसा जो बैंक को जो देना है इतना ही पैसा मेरे को नकुल सर से पैसा वापस लेना है, तो इनके लिए असेट्स है तो नकुल सर अकाउंट डेबिट टू बैंक। मेरे यहाँ पे क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा अभी तक, मैं तो पिक्चर से बाहर ना। मैंने बिल जब मैंने बिल दिया तब एंट्री पास, डिस्काउंट करवाएंगे तो इनके बुक्स में एंट्री, इनके बुक्स में मेरे यहाँ पे एंट्री आएंगे। कुछ अब मुझे पैसे देना है, जब मैं दूंगा तब बात करूंगा अपने यहाँ पे एंट्री पर। क्या सभी समझ में आया? अरे यार बोलू तो बिल्स एक्सेप्ट का मतलब क्या समझ? बिल्स एक्सेप्ट मैंने किया तो वो बिल्स पेबल होगा या बिल्स रिसीवेबल होगा? बिल्स पेबल होगा तो वो अल्टीमेटली इनके क्या बनेगा? बिल्स रिसीवेबल, थोड़ा बहुत या पूरा पूरा? क्या समझ में आया? अरे यार तो सिर्फ मैंने तो भी समझाया है कि बिल्स पेबल का मतलब क्या होता है, बिल्स रिसीवेबल का मतलब क्या होता है, इसके मीनिंग के बारे में मैंने आपको समझाया। क्या थोड़ा बहुत क्लियर है या पूरे अच्छे से क्लियर है? क्या समझ में अच्छे से आया? थैंक यू। आओ पॉइंट नंबर टू को हम पढ़ते हैं। रिसीव ए प्रोमिसरी नोट्स, प्लीज समझना इस पॉइंट को, है ना? और भाई ये जो कागज है ना दिया था, ये प्रोमिस मैं वादा करता हूं ना, तो लिख के इसमें प्रोमिसरी नोट्स ना। अरे हाँ आओ पढ़ते हैं, ध्यान समझना। रिसीव ए प्रोमिसरी नोट फॉर ₹25,000 फ्रॉम अरुण, अरुण से प्रोमिसरी नोट्स मिला, तो बताओ आपको मिला तो बिल्स रिसीव या बिल्स पेबल? बिल्स रिसीव बेटा, मैंने एक्सेप्ट करके उनको लटाया तो उनको मिल रहा है ना। जो कागज इन्होंने लिख के मुझे दिया, ये मैंने साइन किया है, एक्सेप्ट किया, अब उनको वापस दूंगा तो रिसीव होगा ना, तो उनके लिए क्या बनेगा? बिल्स रिसीवेबल। तो बताओ एंट्री क्या पास होनी चाहिए? किससे मिला? रवि से मिला, तो एंट्री पास होनी चाहिए क्या बेटा? बी आर अकाउंट डेबिट टू रवि फ्रॉम अरुण है क्या? बोल जवाब दो, फ्रॉम क्या बेटा? अरुण, कहां अरुण बेटा यार? ओहो आई एम सॉरी, अरुण कितने रुपए का बेटा? हेलो 25,000। क्या ये पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? जवाब दो। बट एंटर इन द बुक्स ऑफ बिल्स पेबल, क्या ये एंट्री पास होनी चाहिए थी? किसकी हेल्प से बेटा? बिल्स रिसीवेबल बुक की हेल्प से एंट्री पास होती है। जिस प्रकार से परचेज बुक बनती है उसी प्रकार से क्या बनता है? बीआर बुक भी बनता है। बोलो हाँ है ना। तो इस ट्रांजैक्शन को आपने बिल्स पेबल बुक में एंट्री पास कर दी, तो बताओ आपने एंट्री क्या पास की होगी बेटा? अरुण अकाउंट डेबिट टू क्या बेटा? बिल्स पेबल। कितने रुपए से बेटा? 25,000। ध्यान से आओ क्या होना, अब क्या करें? होना ये चाहिए था बिल्स रिसीवेबल डेबिट होना चाहिए, डेबिट हुआ क्या? नहीं। आओ बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कितना बेटा? 25,000। और क्या अरुण डेबिट नहीं होना चाहिए था, फिर भी अरुण डेबिट होकर आ रहा है, तो अरुण को क्या कर दो? 25,000 रुपए से क्रेडिट कर दो। प्लस अरुण को क्रेडिट होना चाहिए था, क्रेडिट नहीं हुआ, तो 25,000 से और क्रेडिट कर दो। और बिल्स पेबल को क्रेडिट नहीं होना चाहिए था, फिर भी वो क्रेडिट हो गया, तो कैंसिल करने के लिए कर दो, डेबिट कर दो। एंट्री क्या होगी? दैट मीन्स 25,000। बोलो यहां तक के पॉइंट में किसी कुछ प्रॉब्लम है क्या? क्या समझ में आया? ये एंट्री किस किस की सही हुई? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, चलो गुड, शाबाश। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं बेटा? क्लियर? नाउ कम टू क्वेश्चन पॉइंट नंबर सी। बहुत अच्छा पॉइंट है, ध्यान समझना। ₹5,000, ध्यान समझना। चलो एक बात और बोलता हूं बेटा, ध्यान समझना। इधर कहां गए हो? विशाल आ गया, जल्दी आओ फटाफट से, जल्दी जल्दी।
का वही कहानी, 15,000 का मोबाइल उन्होंने मुझे बेचा और मैंने इनको कागज चिपके दिया, एक्सेप्टन लौटा दिया और बोला 3 महीने बाद ये पैसा मैं आपको दूंगा। तो जब इन्होंने मोबाइल मुझे बेचा होगा तो इनकी बुक्स में एंट्री क्या पास होगी बेटा, परचेस अकाउंट सॉरी सेल अकाउंट क्रेडिट होगा तो नकुल अकाउंट डेबिट टू सेल, मेरी बुक्स में क्या होगा परचेस अकाउंट डेबिट टू विशाल। अरे हाँ है ना। अब मुझे बताओ, मैंने इन्होंने कागज लिख के दिया और कागज लिख के दिया, मैंने एक्सेप्ट किया, साइन किया, कागज लिख दिया, तो बताओ इस केस में क्या कोई एंट्री पास होगी क्या? यस, एंट्री क्या पास होगी बोलो, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू नकुल। तो क्या इनकी बुक्स में से नकुल अकाउंट खत्म हो गया? क्यों, नकुल अकाउंट को जब सेल किया था आपने क्या किया था? डेबिट किया था। अरे हाँ है ना। जब इनको बीआर दिया नकुल अकाउंट क्या कर दिया? क्रेडिट किया उतनी अमाउंट से किया, तो 15 से 15 कैंसिल। तो अल्टीमेटली इनकी बुक्स में भी क्या दिख रहा है? बिल्स रिसीवेबल। बोलो क्या, जब मैं अपनी बुक्स की बात करूंगा तो मेरी बुक्स में एंट्री क्या पास होगी? जब परचेज किया परचेज अकाउंट डेबिट टू विशाल, और विशाल को जब मैंने बिल दे दिया तो मैंने अपनी बुक्स में क्या किया? विशाल अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। तो क्या मेरी बुक्स में से भी विशाल का अकाउंट खत्म हो गया? अब 3 महीने का बिल लिखा था ये, किसी इनको संतोष था, बैंक के पास नहीं गए, जल्दी नहीं थी, इसलिए बैंकों ने पीछे से बाहर रखा इस बार। अब ये बस 3 महीने बाद वापस आते हैं, सर ये कागज, मैं कहा बोलो क्या पैसा? यस डन। मैं कहा ये लो बेटा आपका पैसा है। तो ये मैंने दिया वो पैसा निकाला, वो पैसा मैंने इनको दिया। बताओ मेरी बुक्स में एंट्री पास होगी? यस, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश, नॉट ये एंट्री पास नहीं होगी कि विशाल अकाउंट डेबिट टू बैंक, नहीं होगी एंट्री। अरे मेरी एंट्री में क्या, भले विशाल कागज लेके आया था पर विशाल तो पैसा लेके आया, किसका लेके आया? बिल्स पेबल का। तो एंट्री क्या पास होगी बेटा? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश। और इनके बुक्स में एंट्री क्या? ये एंट्री कैश अकाउंट डेबिट नकुल नहीं करेंगे, ये कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल एंट्री पास करेंगे। अरे हाँ है ना, क्या समझ में आपको आया? इसी के ऊपर है पॉइंट नंबर कौन सा आपके पास बेटा, सी आओ उसके बारे में चर्चा। थैंक यू बेटा। पॉइंट नंबर सी के बारे में अपन यहाँ पे बात करते हैं। ₹5,000 paid to Hari against acceptance. मतलब मैंने पैसा किसको पे किया? Acceptance के अगेंस्ट पैसा पे किया किसको? हरी को। हरी को पैसा पे किया, तो भले किसको पैसा पे किया? Acceptance के अगेंस्ट पैसा पे किया। तो एंट्री क्या पास होगी बेटा? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश। रुपीज कितना बेटा? 5,000। बेटा बोलो कितने से एंट्री पास होगी बेटा? 5,000 रुपीज से एंट्री पास होगी। बोलो हाँ है ना। बट भाई साहब ने क्या कर दिया समझना, आपने डेबिट टू हरीश, मतलब आपको बिल्स पेबल की जगह आपने डेबिट क्या कर दिया? हरीश अकाउंट डेबिट टू कैश। कितने रुपए से बेटा? 5,000 रुपए। क्या सभी को समझ में अच्छे से आया? तो मुझे बताओ, बिल्स पेबल डेबिट होना चाहिए था, डेबिट नहीं हुआ, डेबिट कर दो। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट कितने से? 5,000 रुपए से। हरीश, मैं सबसे पहले हरी लिखा था और हरीश को सबसे ना हरी हो ना हरीश, उसका ना डेबिट होना चाहिए था, क्रेडिट होना चाहिए। डेबिट क्या? तो नाउ टू हरीश, क्यों आपने डेबिट किसको किया? हरी को किया है, हरीश को किया है? हरीश को। तो एंट्री कितने से पास होगी बेटा? 5,000। कैश क्रेडिट होना चाहिए था, कैश क्रेडिट हुआ। बच्चा एंटी क्या सोचता है पता है? कि हरी की जगह हरीश लिख दिया, तो बच्चा एंटी क्या सोचता है? हरीश अकाउंट डेबिट टू क्या बेटा? नहीं, हरी अकाउंट डेबिट टू हरीश एंट्री पास करता है। आप किसी ने एंट्री पास की ये? जबकि सही तरीका एंट्री का पास करने का ये है, ये एंट्री तभी पास हो सकती है जब लॉजिकल फंडामेंटल बहुत क्लियर हो कि बिल्स पेबल के केस में एंट्री क्या पास होती है, बिल्स रिसीवेबल केस में एंट्री क्या होती है। हर एक चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा तो ही एंट्री पास कर पाओगे। क्या मेरी बात समझ में अच्छे से आ रही है? यहां तक के पॉइंट में किसी को पूछना है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। दिस इज द पॉइंट नंबर सी। कुछ डाउट है बेटा? बोलू यस प्लीज। सॉरी बेटा, क्यों बेटा कैश डेबिट क्यों होगा? क्वेश्चन ने क्या बोला? आपने हरीश अकाउंट को क्या किया बेटा? डेबिट किया। जबकि डेबिट देखो, आपको एंट्री बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश होना चाहिए बेटा। बेटा एंट्री क्या ये पास होनी चाहिए थी, है ना? बट आपने डेबिट की डेबिट में आपने क्या, हरीश ये पैसा मिला किसको बेटा? हरीश को मिला। दे कौन रहा है? हम दे रहे हैं, दे रहे हैं हरी को। हरी को पैसा क्यों दे रहे हैं? कि हमने बिल एक्सेप्ट किया था, तो बिल एक्सेप्ट किया था हरी का तो उसको पैसा दे रहे हैं। तो एंट्री क्या, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश होना चाहिए। बट आपने एंट्री क्या, हरी ने हरीश अकाउंट डेबिट टू क्या कर दिया? आपने कैश कर दिया। तो हरी तो पिक्चर में थे ना, तो एंट्री आपने हरीश अकाउंट डेबिट टू कैश कर दी। जब आपको डेबिट क्या करना चाहिए था? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश। तो हरीश अकाउंट डेबिट नहीं होना चाहिए था,
फिर भी वो डेबिट होकर आ रहा है, हम क्या करेंगे? क्रेडिट, और कैश अकाउंट क्रेडिट होकर आ रहा है तो आना दो ना, देखो क्रेडिट होकर आ रहा है और आना भी चाहिए, दैट्स इट। नहीं आ रहा है और होकर होना भी चाहिए, दैट्स इट। इसलिए एंट्री क्या पास हुई? ये एंट्री पास, ये एंट्री किस किस से सही पास हुई? हाँ गुड, बहुत ध्यान से। क्या पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? यहां तक के पॉइंट में समझ में आया? थोड़ा बहुत, थोड़ा थोड़ा सा, यस डियर, बहुत कम कम है। तो क्लास के बाद मिलते हैं, फिर बात करेंगे। क्या पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जब मैं आप लोगों से यहां बात करता हूं, अगला पॉइंट क्या होगा? पॉइंट नंबर डी, बहुत ध्यान से आप लोग समझना। अ बिल वॉज रिसीव्ड फॉर रिपेयर्स, ध्यान समझना। अ बिल वॉज रिसीव्ड फॉर क्या बेटा? रिपेयर्स के बारे में अपन जब लोगों से यहां पर बात करते हैं, रिपेयर्स ऑफ फर्नीचर और रुपीज 2500, द अमाउंट वॉज डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। बोलो हाँ है ना? क्या बात कर रहा हूं? बड़े ध्यान से आप लोग समझना, मैं इतना सा आपके बात करता हूं इस चीज के लिए। क्या समझना? बिल वॉज रिसीव फॉर रिपेयर्स ऑफ फर्नीचर रुपीज 2500, बिल मिला कितने रुपए का बेटा? 25 रुपीज का रिसीव मिला। तो बट ऑब्वियसली बात, क्या ये रिपेयर्स करवाया है? तो कैमरा से थोड़ा टेढ़ा है। जब मैं कैमरा की बात, कैमरा कैसे से एग्जांपल बात करते हैं, किसके लिए बेटा? बिल वॉज रिसीव्ड फॉर रिपेयर्स ऑफ फर्नीचर फॉर रुपीज 2500, बिल मिला कितने का? 2500 का। समझना इस पॉइंट को, बिल मिला कितने रुपए का बेटा? 2500 रुपए का बिल मिला। तो बिल मिला तो बट ऑब्वियसली इसका आपने पेमेंट कर दिया होगा, ये पेमेंट करना बाकी होगा, बाकी होगा या कर दिया होगा? अगर पेमेंट करना बाकी होगा तो किसको बाकी? उसका नाम तो पता आपको होगा, नाम पता नहीं है मतलब हमने बिल का पेमेंट कर दिया होगा। तो रिपेयर्स है, तो रिपेयर्स आपका खर्चा है, तो एंट्री क्या पास होनी चाहिए बेटा? रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश कितने रुपए से बेटा? 2500 रुपीज। बोलो हाँ है ना? क्या पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? बोलो क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जब हम आप लोगों से यहां बात करते हैं, अगला पॉइंट क्या होगा? बड़े ध्यान से आप लोग समझना। द अमाउंट वॉज डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट, मतलब आपको रिपेयर्स अकाउंट डेबिट करना था, डेबिट क्यों कर दिया आपने बेटा? फर्नीचर अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो एंट्री क्या पास कर दी आपने बेटा? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू क्या बेटा? क्या डेबिट करना था किसको बेटा? रिपेयर्स को। आपने डेबिट किसको कर दिया बेटा? डेबिट किसको कर दिया बेटा? क्या है पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? यहां तक के पॉइंट में किसी कुछ पूछना है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, कुछ डाउट है तो आप मुझे पूछे। अब मुझे बताओ कैश, देखो रिपेयर्स डेबिट होना था, डेबिट नहीं हुआ तो रिपेयर्स को आप डेबिट कर दो। रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर कितने रुपए से बेटा? 2500। डाउट पूछना है तो आप लोग मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। क्या पॉइंट सभी को क्लियर है? बोलो। दिस द पॉइंट, इस चीज के बारे में अपन ने यहां डिस्कस, कुछ डाउट है प्लीज आप मुझसे पूछे बेटा। ये पूरा क्वेश्चन किसका सही हुआ? हाथ खड़ा करें। ओनली 1 2 3 4 5, ये एंट्री सही थी आप लोग? ये एंट्री सही थी? नहीं, पूरा क्वेश्चन किसका सही था? पूरा क्वेश्चन 1 2 3 4, चलो ठीक है ध्यान से। क्या तुम्हें समझ में आया बेटा? अब बेटा क्या ये गलती जो हम रेक्टिफिकेशन पता लगी, ये सेम ईयर में लगी सबसेकेंड ईयर में? अभी तो हमने ये मानते हो क्वेश्चन लिखा, जबकि क्वेश्चन डिमांड क्या है? सब ठीक है, तो सब सबसेकेंड ईयर में गलती होगी तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करना, जैसा करते हैं वैसे ही करेंगे। बस फर्क क्या पड़ेगा देखिएगा आप लोग, बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनना है आंसर बेटा, सुनो प्लीज बोर्ड पे ना। अगर रेक्टिफिकेशन हम सबसिक्वेंट ईयर में होगा ना तो क्या होगा, ध्यान समझना। क्या अगर रेक्टिफिकेशन, प्लीज ये ऐसा हम क्यों करते हैं इसका लॉजिक भी मैं आपको दूंगा बेटा, ध्यान समझना। क्या ये रेक्टिफिकेशन हमें, ये तो हमने सेम ईयर में किया, तुमने ये कर लिया, पर रेक्टिफिकेशन क्या सबसिक्वेंट ईयर में हो सकता है या सबसिक्वेंट ईयर में नहीं हो सकता है? हेलो हेलो, क्या रेक्टिफिकेशन सबसिक्वेंट ईयर में हो सकता है? नहीं हो सकता? यस हो सकता है। जस्ट मिनट बेटा,
हेलो ना, मैं यहां से आप लोग समझदार इस बात को। अब रेक्टिफिकेशन करने के बारे में आप लोग से यहाँ पे हम बात करेंगे। तो रेक्टिफिकेशन होगा तो उस केस में क्या ट्रीटमेंट होगा, इस चीज के बारे में अपन को यहाँ पे समझना है। तो क्या ये रेक्टिफिकेशन कर, तो ये रेक्टिफिकेशन सेम ईयर में होगा तो ये एंट्री पास करेंगे। पर ये रेक्टिफिकेशन अगर सब्सिक्वेंट ईयर में हो रहा है, कब हो रहा है, सब्सिक्वेंट ईयर में हो रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में अगर रेक्टिफिकेशन की एंट्री में कोई भी नॉमिनल अकाउंट का एडजस्टमेंट दिख रहा है, तो वहां पर नॉमिनल अकाउंट दिख रहा है तो उस जगह उस अकाउंट को ना लिखते हुए हम लिखेंगे पीएनएल एडजस्टमेंट। सही है समझ में? अगर रेक्टिफिकेशन सब्सिक्वेंट ईयर में होता, एक मिनट के, भले रेक्टिफिकेशन सब्सिक्वेंट ईयर में हो रहा है, घबराने का नहीं, अब तो मैं नॉर्मल क्वेश्चन सोल्व कर लो। तो नॉर्मल सोल्व कर लिया, तो ये सोल्व किया नॉर्मल एक बार। अब मुझे बताओ क्या इसमें से इस एंट्री में देखो क्या कोई सा भी अकाउंट जो एंट्री पास हो रही है, जो कुछ भी यहाँ पे डेबिट हो रहा है, जो कुछ भी यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, इन तीनों में से ये एंट्री में कोई या तो रियल होगा या क्या होगा, नॉमिनल होगा या फिर क्या होगा, पर्सनल होगा। सबसे रवि, रवि कौन सा अकाउंट है बेटा आपके लिए? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट है तो जैसा आ रहा है वैसे ही आएगा। टू रवि कितने रुपए से बेटा? 30,000। इज इट क्लियर? क्या परचेज अकाउंट के बारे में बात करता हूँ, सेल्स अकाउंट की बात करता हूँ, कौन सा अकाउंट है बेटा? नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट है बेटा? नॉमिनल। तो सीधी सी बात, इनकी जगह हम क्या लिखेंगे बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट लॉस अकाउंट नहीं बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। कितने रुपए से बेटा आपके पास? डायरेक्ट 15,000 लिखते अलग अलग, तो हमें 30,000 रुपए से एंट्री पास। दिस अकाउंटिंग एंट्री इन पास्ट, क्या मुझे बताओ चीज तो वही है, बोलो हाँ है ना। सेकेंड एंट्री के बारे में आप लोगों से बात करते हैं, क्या अरुण कौन सा अकाउंट है बेटा आपके पास? पर्सनल अकाउंट। क्या बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवेबल ये कौन सा अकाउंट है बेटा? इससे पता लगेगा कि फंडामेंटल इतने स्ट्रॉन्ग है बेटा। मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं कि अब आप मुझे ये बताएं कि ये कौन सा अकाउंट है बेटा? बीआर कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। बीआर कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल, पर्सनल या रियल? किस किस का बोलना है ये रियल अकाउंट है? हाथ खड़ा करें। गलत जवाब। किस किस का बोलना है ये पर्सनल अकाउंट है? इज अ करेक्ट जवाब। व्हाई? मैंने बोला रिप्रेजेंट, क्या बीआर अपने आप पैसे? क्या बीआर किसी किसी व्यक्ति ने दिया होगा ना? अरे याद करो भी, कुछ देर पहले जब हम बात कर रहे थे मैंने विशाल को बीआर दिया, तो बीआर देने लगती तो मैं हूं ना, वो बी आर मेरे को रिप्रेजेंट कर रहा है, है ना। दिस इज कॉल्ड एज क्या बनेगा हमारे पास बेटा? पर्सनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट बेटा? पर्सनल अकाउंट। क्या पॉइंट सभी को समझ में अच्छे से आया? अब मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूं, दोनों तो एंट्री क्या पास होगी बेटा? बीआर अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू क्या बेटा? अरुण। कितने रुपए से बेटा? हेलो 25,000 से और 25,000 से, बोलो हाँ है ना। सॉरी ध्यान से बेटा, कितने से बेटा? 50,000 से एंट्री पास। क्या पॉइंट सभी क्लियर? इसे कंसेप्ट बताओ, एक्चुअली सब्सिक्वेंट ईयर तो भी वही, आप लोग बचपन पढ़ते हो सब्सिक्वेंट ईयर में होगा तो इस तरह से एंट्री पास की, अरे कुछ नहीं सब ऐसे करो ना। अब ये एंट्री में इसके लॉजिक बताओ ना, दो मिनट के बाद, अभी नहीं, मुंह मत चढ़ाओ। अगर पढ़ा रहा हूं तो बिना लॉजिक पढ़ाऊंगा ही नहीं, मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं, मैं मना लूंगा नहीं पढ़ना, या पढ़ाऊंगा लॉजिक ही, बाकी डिस्कस नहीं हूं, मैं समय आने पर जवाब दूंगा। अब पढ़ के आ रहा हूं बेटा, आप लॉजिक तो आपको पता होना चाहिए ना, फिर तो मेरे को सर ऐसे गुण से क्यों देखो, सर बताते नहीं हो आप ऐसे एकदम। नेक्स्ट, इसमें भी बिल्स पेबल की बात करता हूं, कौन सा अकाउंट है बेटा? पर्सनल अकाउंट है। क्या होगा ये भी कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। पता आपके दिमाग में डाउट और था कि एक डेबिट में अगर क्रेडिट और ही अकाउंट होगा या तो रियल या नॉमिनल, ऐसा कुछ नहीं है। डेबिट 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 क्रेडिट पर्सनल पर्सनल, क्रेडिट डेबिट पर्सनल पर्सनल, कुछ भी हो सकता है, मतलब दोनों डेबिट और क्रेडिट सेम नेचर के अकाउंट भी हो सकते हैं। देखो ना ये हो रहा था, क्लियर ना? तो एंट्री क्या पास होगी बेटा आपके लिए? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू हरीश अकाउंट। और क्या रिपेयर्स कौन सा अकाउंट है बेटा? नॉमिनल अकाउंट। फर्नीचर रियल अकाउंट। तो ये तो जैसा आ रहा है वैसा ही आएगा,
और यहाँ पे डेबिट कितने रुपए से होगा बेटा? बोलो, रिपेयर्स नहीं आएगा, सॉरी किससे आएगा बेटा? पी एंड एल। क्या सभी को समझ में अच्छे से आया? बोलो, ये एंट्री है सब्सिक्वेंट ईयर। मुझे बताओ, सब कुछ सेम एंट्री हो रही, बस फर्क क्या पड़ रहा है? अगर कोई एंट्री में नॉमिनल अकाउंट दिख रहा है तो उस नॉमिनल अकाउंट को हमने क्या कर दिया बेटा? पी एंड एल एडजस्टमेंट। क्या ये एंट्री आपने बचपन से भी पास की? मैं बोल रहा हूँ नहीं की बचपन में एंट्री, क्यों नहीं की? आपने की होगी। अब प्लीज आप गलती से भी पी एंड एल मत लिखना, पी एंड एल नहीं लिख सकते हो, आपको पी एंड एल एडजस्टमेंट ही लिखना होगा। ने क्या बोला? पी एंड एल नहीं लिख सकते हैं, पी एंड एल एडजस्टमेंट ही लिखना। मेरा डाउट आप लोगों से है, ऐसा क्यों किया जाता है? हाँ सर, पी एंड एल नहीं लिखना है, पी एंड एल एडजस्टमेंट ही लिखा जाएगा, वो भी क्यों? दिस इज अ फाइव स्टार क्वेश्चन। जिसने इसका जवाब दिया और लॉजिकल दिया तो उसको फाइव स्टार मिलेगी। पी एंड एल एडजस्टमेंट क्यों लिखा जाता है? पी एंड एल नहीं लिख सकते हैं क्या? मेरे हिसाब से अभी तक तो आप भी लिखते थे। यस, हाथ खड़ा करो, उसको पूछूंगा। एक दो तीन चार पांच, और कोई? मैं क्वेश्चन वापस रिपीट करता हूं। जब यही रेक्टिफिकेशन अगर सब्सिक्वेंट ईयर में किया जाता है तो यह एंट्री पी एंड एल एडजस्टमेंट की हेल्प से क्यों की जाती है? अगर उस एंट्री में नॉमिनल अकाउंट आता है तो। हाथ खड़ा करने का। एक दो तीन चार पांच छ, हाथ खड़ा है सात। सबसे पहले जवाब आप दोगे? चलो हाथ दीजिए। यस प्लीज, यस बेटा। समझ नहीं पाया, अगर सेम ईयर में करता हूं तो भी तो ये आइटम पी एंड एल में जाएगा, सब्सिक्वेंट ईयर में कर रहा हूं तो भी तो कहां जाएगा? पी एंड एल में जाएगा। हाँ तो क्यों? मैं वही तो लॉजिक पूछना चाह रहा हूं मैं आप लोगों से ना, ऐसा क्या है? हाँ प्लीज बोलो बेटा, हो सकता है पता आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे बेटा, इसी बात के लिए फाइव स्टार मिलती है बेटा, इसलिए पी एंड एल एडजस्टमेंट लिखते हैं। Yes. मैंने कहा ना, कहा पीएनएल बनने के बाद कर, आपका लॉजिक ये से पीएनएल बन चुका होगा इसलिए हम पीएनएल एडजस्टमेंट कर रहे हैं। क्या सब्सिक्वेंट ईयर में ड्यूरिंग द ईयर जब पीएनएल नहीं बना? बेटा पीएनएल तो एंड ऑफ द ईयर बनता है, मिड ऑफ द ईयर बनता है, एंड ऑफ, मतलब पीएनएल बनने से पहले भी गलती पता लग गई है तो गलती सुधारोगे या पीएनएल बनने का इंतजार करोगे? सुधारेंगे। तो एंट्री फिर पीएनएल अकाउंट टू दिस गया तो एंट्री का पीएनएल अकाउंट, अगर ये गलती पीएनएल बनने से पहले पता लग गई तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू दिस एंट्री, और पीएनएल बनने के बाद पता लगी तो पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू दिस, ऐसा कुछ? यस यस प्लीज, यस बेटा। थोड़ा वैसे बोल तो थोड़ा चेंज हुआ तो फाइव स्टार दे तो कुछ नहीं, मुझे ऑप्शन में शिफ्ट होगा उनकी तरफ। हाँ मतलब आप ज्यादा तो पीएनएल नहीं तो पीएनएल एडजस्टमेंट लिखेंगे, इससे पता लग पाएगा कि ये एडजस्टमेंट हुआ है, ऐसा कुछ शॉर्ट ऑफ। हाँ बोलो। हाँ वेरी गुड, दस द फर्क, दस द करेक्ट आंसर, वेरी गुड, ताली बजनी चाहिए बेटा, आंसर बहुत अच्छा आंसर है, वो एकदम सटीक जवाब था, जो मैं बोलना चाह रहा था वही उन्होंने जवाब बोला। यस पूरा बोल दो बेटा, बहुत अच्छा जवाब लगा मेरे को, दैट्स इट। पर बेटा फाइव स्टार मिल चुकी है ना आपको, इसलिए हाँ एक बार जवाब बहुत अच्छा दिया आपने। वेरी गुड, बहुत सही जवाब दे रहा हूँ बेटा। अगर मैं सब्सिक्वेंट ईयर में ये गलती पता लगाता, क्या
एसिड, अगर मैं यही एंट्री पास करूंगा, ये वाली एंट्री मान लो ये सबसिक्वेंट ईयर में एंट्री पास करता, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, डेबिट टू रवि, तो क्या मैं इस साल के सबसिक्वेंट ईयर के पीएनएल में ट्रेडिंग में क्या सबसिक्वेंट ईयर के ट्रेडिंग में परचेज बढ़ा देता, सबसिक्वेंट ईयर के सेल को कम कर देता? तो क्या इसकी वजह से उस ईयर का प्रॉफिट कम हो जाता? क्या ये परचेज पीएनएल में ट्रेडिंग में डेबिट होती है क्रेडिट होती है? प्लीज जवाब दो यार, सोचो आपको, क्या ये परचेज जो है, परचेज एक प्रकार से आपका खर्चा है या इनकम है? परचेज एक प्रकार से आपकी इनकम है या खर्चा, एक्सपेंसेस, इसको आपने डेबिट कर दिया? क्या इस साल के पीएनएल में जाके परचेज आपने डेबिट कर दिया कितने रुपए से बेटा, 15,000 रुपए से, जबकि वाकई में तो ये माल परचेज इस साल का है ही नहीं। दूसरी बात, आपने सेल डेबिट कर दिया मतलब इनकम को आपने कैंसिल कर दी, तो मतलब इस साल की सेल आपने कम कर दी, जबकि ये इस साल की सेल कम नहीं है, ये कम तो पिछले साल की, तो अननेसेसरी इस साल की परचेज बढ़कर आ जाएगी, इस साल की सेल कम होकर आ जाएगी, तो क्या अननेसेसरी परचेज बढ़ेगी तो इस साल का प्रॉफिट कम होगा, अननेसेसरी इस साल की सेल कम होगी तो इस साल का प्रॉफिट और कम हो जाएगा, जबकि ये प्रॉफिट और लॉस जो है ये इस साल का प्रॉफिट लॉस का आइटम है, लास्ट ईयर का, लास्ट ईयर का, तो क्या लास्ट ईयर का पीएनएल सुधारना पड़ेगा? बोलो हाँ है ना, लास्ट ईयर का पीएनएल सुधारना पड़ेगा, तो लास्ट ईयर तो बन चुका है, बनना बाकी है, बन चुका, उस पे सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सबके सबके साइन हो चुके होते हैं, वो तो एजी में भी जा चुका, सबके पास जा चुका है। बोलो अब इस साल गलती सुधारनी है तो इस साल नो डाउट गलती रियल अकाउंट नॉर्मल अकाउंट का है, तो ध्यान समझना, हम बनाएंगे पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। मैं आपको बोलता हूँ तीन चीज बोलता हूँ, पीएनएल, पीएनएल एडजस्टमेंट, पीएनएल अप्रोप्रिएशन, तीन चीज होती है पीएनएल में। 99% स्टूडेंट्स पीएनएल अप्रोप्रिएशन और पीएनएल एडजस्टमेंट को सेम समझता है, जबकि दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। पीएनएल अलग चीज है, पीएनएल एडजस्टमेंट अलग चीज है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अलग चीज है। पीएनएल में सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर के इनकम और एक्सपेंस आएंगे, बात खत्म। सुनना मेरी बात, की बहुत बारीक सा पॉइंट है, कोई डिस्कस नहीं करता आपके साथ, फिर बोल रहा हूं आपको, पीएनएल सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर के इनकम और एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करता है। किसको बेटा? इनकम और एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड। पीएनएल अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट कमाने के बाद जब प्रॉफिट का हम बंटवारा करते हैं, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है अमंग द शेयर होल्डर, अमंग द मेंबर ऑफ द बिजनेस, उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसको बोलते हैं पीएनएल अप्रोप्रिएशन। पीएनएल एडजस्टमेंट में गलतियों को लिखा जाता है, मतलब पीएनएल एडजस्टमेंट का मतलब यह है कि पीएनएल में इफेक्ट जा चुका और गलती पकड़ में आई, तो इस गलती को सुधारने के लिए हम काम आते हैं पीएनएल एडजस्टमेंट में आते हैं, जिसकी वजह से हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं क्या क्या गलती है और क्या सही है। क्या पॉइंट सभी को समझ में है? इसलिए हम पीएनएल एडजस्टमेंट, पीएनएल एडजस्टमेंट में सिर्फ सिर्फ क्या होता है, एरर ओमिशन का इफेक्ट दिया जाता है। अब पीएनएल एडजस्टमेंट अगर इसे समझ में आएगा कि जो गलतियां हुई, इस गलती की पास्ट ईयर की गलती की वजह से प्रॉफिट पे इतना इंपैक्ट पड़ रहा है, अरे अब पीएनएल एडजस्टमेंट आएगा, अरे यार उस पीएनएल एडजस्टमेंट आएगा तो पीएनएल एडजस्टमेंट लिखा हुआ आएगा एरर प्रॉफिट या लॉस, प्लीज प्रॉफिट या फिर क्या होगा बेटा, लॉस। तो इसकी वजह से बताओ लास्ट ईयर की गलती की वजह से इतना प्रॉफिट पे इंपैक्ट पड़ रहा है, लास्ट ईयर का प्रॉफिट इतने से गलत आ रहा है, लास्ट ईयर की गलती की वजह से अभी तक प्रॉफिट पे इतना इंपैक्ट पड़ रहा है, दैट्स द रीजन बिहाइंड द कंसेप्ट। और इसलिए हम पीएनएल एडजस्टमेंट लिखते हैं, पीएनएल नहीं लिखते हैं, पीएनएल लिख दूंगा तो इस साल की इनकम चला जाएगा, अरे यहाँ इस साल का प्रॉफिट इंपैक्ट, पीएनएल अप्रोप्रिएशन मतलब प्रॉफिट बंटवारा थोड़ी है, तो बिजनेस का ही है, अरे हाँ है ना। आपने कई बार देखा होगा बेटा पार्टनरशिप पढ़ा हुआ 11th 12th के अंदर, बेटा अगर पार्टनर्स को जो कुछ भी देते हो आप पीएनएल अप्रोप्रिएशन लिखते हो, दैट्स इट, ये आपको पता रेक्टिफिकेशन है, बट व्हाई? और कुछ गलती होती है पीएनएल एडजस्टमेंट लिखते हो कि दैट्स इट लिखते हैं, दैट्स इट। और कहीं का टीचर ने बोला होगा पीएनएल एडजस्टमेंट और पीएनएल अप्रोप्रिएशन सेम ही चीज, कुछ भी कुछ चलेगा, जबकि दोनों में जमीन आसमान का फर्क है यार। क्या सभी को समझ में अच्छे से आया जैसे लॉजिक बिहाइंड द कांसेप्ट? इसलिए हम कहते हैं पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट दिस वन, यहां पे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। सर इनके यूज क्यों नहीं करते? अरे इनका इंपैक्ट पीएनएल पड़ता ही नहीं है ना, अरे इनका भी पीएनएल में नहीं पड़ता, कहां पड़ेगा? बैलेंस शीट में। अब मुझे बताओ क्या गलती लास्ट ईयर की है? लास्ट ईयर का बीआर गलत आ रहा है, अगर उसका बीआर को मैं आज भी सही नहीं करूंगा तो क्या इस साल का बीआर भी गलत ही आएगा ना? तो बीआर को सुधारना होगा ना, बेस को सुधारना पड़ेगा ना, असेस को सुधारना पड़ेगा ना, असेस की लुक कम होकर आ रही है, सुधारना पड़ेगा ना, इसीलिए हम असेस लायबिलिटी का इफेक्ट जैसा आता है वैसे ही आता है, उसको हम रेक्टिफाई करते हैं।
उसको रेक्टिफाई नहीं करेंगे तो नेक्स्ट ईयर भी जाएगा तो गलत अमाउंट से जाएगा, असेट्स और लायबिलिटी। क्या सुन अच्छे से आया? देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड द कांसेप्ट, दिस अकाउंटिंग एंट्री हैज बीन पास्ड फॉर द रेक्टिफिकेशंस इन सबसिक्वेंट ईयर। देखो ना, कांसेप्ट वही है, मैंने चेंज नहीं किया है। अरे यार, क्या सभी को समझ में अच्छे से आया? कुछ पूछना है? किसी को कुछ भी डाउट्स है क्या? क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 तीनों क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या बेटा, होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। कोशिश करेंगे कल तीनों क्वेश्चन को हम खत्म करें, और उसके बाद डे आफ्टर टुमारो आप लोग घर पे बेटा अपने पार्ट पे एमसीक्यू सॉल्व करने लग जाना। क्यों मैं एकदम बोलूंगा अब आपको दिक्कत होगी, इसलिए जितना हो सके उतना एमसीक्यू आप लोग सॉल्व करना। नहीं होंगे डाउट्स मुझे कोई पूछेगा नहीं बैच में आगे, कहूँ कि डाउट्स बता दो, मैं डाउट्स अलग से इसके लिए एमसीक्यू के लिए अलग से लूंगा। हम क्लास में ही डिस्कस करेंगे एमसीक्यू कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू बेटा, हैव अ गुड डे।